फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। डीएलएस से द्वारा सहादरा जिला के कारगरडूमा कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन हुआ। लंबित पड़े मामलों को सुलझाने के लिए डीएलएस से द्वारा सानिध्य के सभी जिला अदालत में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस अंतर्गत दिल्ली भर में लगभग 1,55,000 केसों का निपटान किया गया। इस संदर्भ में सहादरा जिला के डीएलएस के सचिव एवं न्यायाधीश परनत कुमार जोशी ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला। ज्ञात रहे कि डीएलएस से दिव्यांग जनों, एसिड विक्टिम एवं ट्रांसजेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीएलएस के माध्यम से लोक अदालतों में पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक आधार पर नियुक्ति प्रदान कर अपने पैरों पर खड़ा होने में सहयोग करता है। इस अवसर पर लोक अदालत के द्वारा आम जनमानस को होने वाले लाभ पर भी चर्चा की। इस मामले पर डीएलएस के सचिव एवं न्यायाधीश परनत कुमार जोशी ने शनिवार की दोपहर 1 बजे मीडिया से बात की और क्या कहा, सुने बाइट। सर, जो आज लोक अदालत लगी है उसके बारे में जानकारी। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगती हैं वो जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे नालसा है, जिसको कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं, उसके तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाता है और ये प्रक्रिया मामलों के शांतिपूर्वक और त्वरित निस्तारण के लिए अपनाई जाती है। इसमें सभी तरह के धन वसूली के मामले, जो कि बैंकों के धन वसूली के मामले होते हैं, उनका निस्तारण होता है। साथ ही कुछ मैट्रिमोनियल मामले, वैवाहिक संबंधों से रिलेटेड जुड़े हुए जो मामले हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। बातचीत के जरिए सुलझाने का जो प्रावधान है वो इस लोक अदालत में अपनाया जाता है। साथ ही इस लोक अदालत में हम दिल्ली जल बोर्ड के मामलों का निपटारा कर रहे हैं, मोटर दुर्घटना में जो मामले आए हैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए, उनका निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही ऐसे क्रिमिनल मामले जिनको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है कानूनी तौर पर, उनका निस्तारण आज किया जा रहा है। ट्रैफिक चालान जो कि हम दिल्ली में पाते हैं लाखों की संख्या में पेंडिंग हैं, तो उनका आज भारी संख्या में निस्तारण किया जाता है। इस बार की लोक अदालत में अगर सहादरा जिले की बात करें तो 10 ट्रैफिक की स्पेशल बेंच बनाई गई हैं और हर एक बेंच 1,000 ट्रैफिक चालानों का निस्तारण करेगी। इसी प्रकार पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर 1,55,000 चालानों को आज ही के दिन निस्तारण करने के लिए भी प्रावधान बनाया गया है। और हम समझते हैं कि जो हमारी मुहिम है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, न्याय के लिए लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े, बहुत सुगम तरीके से, सुलभ तरीके से न्याय उन तक पहुंच जाए, उसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और जिस तरह से आज की लोक अदालत का संचालन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस उद्देश्य को हासिल करने में हम लोग सफल रहेंगे। ये लोक अदालत जो लगी है ये साल में 4 लगती हैं, इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। सारे केस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, फैमिली कोर्ट के हैं, रिकवरी के हैं, NI एक्ट के हैं, सभी दोनों पार्टी की सहमति से निपटा दिए जाते हैं, इससे कोर्ट का बोझ कम होता है। दूसरा, ट्रैफिक के चालान, इस बार 1,55,000 चालानों का निपटारे के लिए डाउनलोड स्लिप की गई थी, जिन्होंने की थी वो अब चालान करा रहे हैं और बहुत अत्यंत खुश हैं, क्योंकि गाड़ी ट्रांसफ़र कराने में बहुत आसानी रहती है। अगर कोई भी चालान पेंडिंग है तो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती, पहले चालान आप बुक करो। इसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि 1,55,000 चालान तो निपटाए, लेकिन इसके साथ साथ ये कम है, चालान जो है करोड़ों की तादाद में है, इसलिए जो लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत भी लगानी चाहिए, और या फिर जो है इसको शनिवार इतवार 2 दिन लगाएं। 4 साल के अंदर 4 अदालत से फ़ायदा कुछ नहीं है, फ़ायदा तो है लेकिन डिस्पोजल कम है, रेवेन्यू भी आता है, लोगों को फ़ायदा भी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 की 8 तो नेशनल लोक अदालत खाली ट्रैफिक की लगानी चाहेंगे। मैं 74 रविंद्र जी के साथ एज अ एसोसिएट मेंबर का मैंने ज्वाइन किया आज, और मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि जज साहब ने हमें भी इस लायक समझा कि एक ट्रांस होने के बावजूद भी हम लोग भी काम कर सकते हैं और हम लोग को भी पूरा हक है समाज में रहने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मान भी दिया गया यहाँ मुझे, और जो भी आर्थिक लाभ एज ए ट्रांस को मिलने चाहिए थे वो भी हम लोगों को मिले हैं।
मेरा नाम रूही है और मैं बसेरा से हूँ। मैं पहले बसेरा में जॉब करती थी, आज मुझे बसेरा की तरफ मुझे यहाँ पे आने का मिला, जैसे एसोसिएट मेंबर बनने का, जिससे मुझे बहुत सम्मान मिला, मुझे जज साहब के बगल में बैठने को मिला, मुझे बहुत इज्जत मिली। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब हम जैसे जो ट्रांसफर से बहन हैं उनको भी ऐसे इज्जत मिली जाए, उनको भी हर चीज़ की। मैम, जो DLSA ने जो कदम उठाया है, लगता है कि जो ट्रांसजेंडर समाज है उसको राष्ट्र की धारा में शामिल किया जा रहा है? किया जाना चाहिए सर उनको, मेरे हिसाब से। सर, मेरा नाम सपना है। वैसे तो मैं LDC के पद पर यहाँ पे परमानेंट जॉब करती हूँ DLSA शाहदरा में, लेकिन आज लोक अदालत के लिए स्पेशल मुझे एसोसिएट मेंबर की पद पर ड्यूटी दी है 56 कोर्ट नंबर में, जज साहब देव चौधरी। मैम, उन एसिड विक्टिम के लिए आपकी तरफ से एक संदेश कि जो उस हादसे का शिकार होती हैं वो मनोबल से हारे नहीं, वो जुझारू बनकर लड़ें। सर, अब तो काफ़ी जो हो गया सो हो गया सर, लेकिन अब तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। जैसे मुझे भी एसिड अटैक के बाद जॉब मिली है और भी लड़कियों को जॉब मिली है, आगे बढ़ने का आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रही है हमें सरकार। मैं दिव्यांग हो गई, उसके बाद अभी मैं कैंसर से भी पीड़ित हूँ, और मुझे उन्होंने मौका दिया है एज ए कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और न केवल उन्होंने दिव्यांग्स को और कैंसर सर्वाइवर को, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को, उन्होंने एसिड विक्टिम्स को, मतलब आई एम वेरी वेरी थैंक्स टू प्रणत सर को कि वो इतना मतलब लोगों के बारे में सोचते हैं। आज के यूथ यंग जनरेशन के सेक्रेटरी जज हैं और वो पब्लिक्स में से ग्राउंड टू अर्थ नीचे से लोगों को, जो जिनको कब सपने में भी नहीं सोच सकते, उनको ऐसी जगह बिठा के उनसे काम करा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और कदम है लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो सपने में भी नहीं सोच सकते, उनको ये ऐसा मौका मिल रहा है।